Good morning. Welcome to all of you in online class of Meela Devi Teaching College, Prasad Road, Prayagraj. Myself, Neeraj Tiwari. आज के वीडियो लेक्चर में हम करनौर संजन की जीसीएमसी से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकली प्रॉब्लम जो मस्ट बी इम्पोर्टेंट है उसके बारे में डिस्कस करेंगे और उन न्यूमेरिकली प्रॉब्लम्स को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं ये चीज़ें हम आपको आज बताएंगे आज के वीडियो लेक्चर में. देखिए क्वेश्चन नंबर वन है, क्वेश्चन क्या है कि व्हाट विल बी द एफिशिएंसी ऑफ ए करनौर इंजन और बेस द सोर्स एंड इन टेम्परेचर आर 327 डिग्री सी एंड 27. ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट विल बी द एफिशिएंसी ऑफ ए करनौर इंजन फॉर विच द सोर्स एंड इन टेम्परेचर आर 327 डिग्री सी एंड 27 डिग्री रेस्पेक्टिवली. आगे कह रहा है कि इफ द इंजन एब्जॉर्ब 4.0 इनटू 10 टू द पावर 4 केल्विन एट हायर टेंपरेचर देन कैलकुलेट. फर्स्ट पॉइंट में कह रहा है देन कैलकुलेट अमाउंट ऑफ वर्कडन एंड सेकंड पॉइंट में कह रहा है द अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्टेड एट लोअर टेंपरेचर. क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ते हैं और देखते हैं कि कौन सी वैल्यू हमको पता है और किस वैल्यू को हमको निकालना है, किस फार्मूले को हम यहाँ इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ये हम एक बार क्वेश्चन और पढ़ेंगे. तो जब क्वेश्चन आपको आसानी से क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, तो आसानी से आप उसके हल कर सकते हैं यानी क्वेश्चन कैसे हल होगा ये आप समझ पाएंगे. ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है व्हाट विल बी द एफिशिएंसी ऑफ ए करनौर इंजन. एक करनौर इंजन है जिसकी एफिशिएंसी क्या होगी फॉर विच द सोर्स एंड सिंक, जिसके लिए सोर्स और सिंक का टेम्परेचर आप 327 डिग्री सी एंड 27 डिग्री सी रेस्पेक्टिवली. यानी कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है व्हाट विल बी द एफिशिएंसी ऑफ ए करनौर इंजन, करनौर इंजन की एफिशिएंसी क्या होगी और जिसके लिए सोर्स और सिंक का जो टेम्परेचर है वो 327 डिग्री सेंटीग्रेड और 27 डिग्री सेंटीग्रेड है क्रमशः. यानी सोर्स का टेम्परेचर 327 डिग्री सेंटीग्रेड और सिंक का टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो करनौर इंजन की एफिशिएंसी क्या होगी. हम जानते हैं कि करनौर इंजन दो टेम्परेचर लिमिट यानी सोर्स और सिंक के टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, इसी के दो टेम्परेचर लिमिट से कार्य करता है. करनौर इंजन की एफिशिएंसी केवल उन्हीं टेम्परेचर पे डिपेंड करती है जिस टेम्परेचर लिमिट के अंतर्गत वो इंजन वर्क करता है, वर्किंग प्रोसेस हमारा वर्क करता है, उन्हीं टेम्परेचर पे डिपेंड करती है यानी सोर्स और सिंक के टेम्परेचर पे डिपेंड करती है. तो हमको एफिशिएंसी पूछ रहा है और सोर्स और सिंक का टेम्परेचर हमको दिया गया, तो हम आसानी से करनौर इंजन की एफिशिएंसी निकाल सकते हैं जो कि हमको एफिशिएंसी का एक्सप्रेशन पता है उस एक्सप्रेशन के आधार पे. ठीक, तो करनौर इंजन की एफिशिएंसी हम निकालेंगे. सबसे पहले हम यहाँ लिखते हैं द एफिशिएंसी ऑफ करनौर इंजन इज गिवन बाय एफिशिएंसी का नाम इंजन की फॉर्मूला हम जानते हैं एफिशिएंसी इक्वल टू 1 माइनस T2 बाय T1 वेयर T2 इज द टेंपरेचर ऑफ सिंक एंड T1 इज द टेंपरेचर ऑफ सोर्स. हियर गिवन है यहां वैल्यू हमको दी गई है, हियर गिवन है यहां दिया गया है एफिशिएंसी हमको फाइंड करनी है T1 इज द सोर्स का टेंपरेचर है, सोर्स का टेंपरेचर हमको दिया गया है 327 डिग्री सेंटीग्रेड. डिग्री सेंटीग्रेड को जब भी हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में शामिल करेंगे डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में चेंज करेंगे, केल्विन में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में बदलने के लिए हम दोनों के अंतर को जोड़ देते हैं, यानी जितना डिग्री सेंटीग्रेड उतना 273 हम ऐड कर देंगे तो हमारी वैल्यू क्या होगी केल्विन में चेंज हो जाएगा. तो 327 डिग्री सी को जब हम केल्विन में चेंज करेंगे 200 के अंतर जोड़ देंगे 327 273 या T1 इक्वल टू वैल्यू हो जाएगी
T1 T2 भी मेरे को पता है, तो हम इसे जल्दी निकाल सकते हैं। L then eta is equal to what is 1 minus c2 by c1 that is like 1 minus c2 that is 1 minus 300 by 600 is equal to a over there 1 minus 1 by 2 yeah is equal to what is 0.5 and in eta is equal to what is 0.5 and it's equal to 50%। ठीक ये हमारी ये बात है। एफिशिएंसी आपको मिल गया। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि द इंजन कैप्चर 4.0 न्यूटन फॉर 4 कैलोरी की एट हाई टेंपरेचर, यानी कह रहा है कि यदि इंजन जो है वो 4.0 न्यूटन फॉर 4 कैलोरी कैप्चर करता है हाई टेंपरेचर, यानी सोर्स से हाई टेंपरेचर का मतलब है हाई टेंपरेचर पे फिक्स कौन होता है सोर्स होता है, यानी सोर्स से यदि वो 4.0 न्यूटन फॉर 4 कैलोरी कैप्चर करता है तो अमाउंट ऑफ वर्क डन कार्य की वैल्यू क्या होगी या कार्य कितना होगा, या आगे दूसरा क्वेश्चन जो है अमाउंट ऑफ हीट डिफरेंशियल एट लोअर टेंपरेचर एंड कैन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क डन व्हेन इंजन एब्जॉर्ब 4.0 इनटू 10 पावर 4 कैलोरी ऑफ हीट एट हायर टेंपरेचर, यानी जब इंजन इतनी हीट के हायर टेंपरेचर पे एब्जॉर्ब करता है तब आप वर्क डन कितना होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, साथ साथ हमको ये और लोअर टेम्परेचर पे कितनी हीट रिजेक्ट की जाती है, यानी इंजन हमारा किस टेम्परेचर लिमिट पे वर्क करता है तो यदि वो हायर टेम्परेचर पे हायर टेम्परेचर का मतलब 327 डिग्री सेल्सियस पे यदि वो 4.0 न्यूटन पावर 4 कैलोरी के अब्सॉर्ब करता है तो सिंक पे कितना टेम्परेचर रिजेक्ट करेगा, लोअर टेम्परेचर पे कितना हीट रिजेक्ट करेगा इनकी वैल्यू हमको फाइंड करनी है, और कितना वर्कडन हम यानी कितना हीट एब्जॉर्ब करेगा तो हीट को कितना वर्कडन में कन्वर्ट करेगा उसकी वैल्यू हमको फाइंड करनी है। ठीक तो हम देखिए कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ से आगे यहाँ लिख सकते हैं आउटो आउटो द एफिशिएंसी ऑफ इंजन इंजन इज गिवेन बाय एफिशिएंसी ऑफ इंजन इज गिवेन बाय हम ये भी पता लगा लेंगे एफिशिएंसी जो होता है वर्क डन अपॉन अमाउंट ऑफ हीट रिसीव बाय द सोर्स वर्क आउटपुट अपॉन हीट रिसीव एट द इनपुट इनपुट में जितनी हीट रिसीव करता है हम मानते हैं कि वन अमाउंट ऑफ हीट फर्स्ट स्टेज में इनिशियल स्टेज में रिसीव करता है वर्क डन हमारा कितना है या वर्क डन W इक्वल टू हो जाएगा
8.4 into 10 to the power 4 joule. 8.4 into हो जाएगा 10 to the power 4 joule. 8.4 into 10 power 4 joule वगैरह मैं कुछ find करूँ. ठीक ना? ये वैल्यू हमको यहाँ पे मिल जाएगी. ठीक है? देखिए हमको अमाउंट ऑफ गर्डन गर्डन की वैल्यू देखिए. अब हमको नेक्स्ट चैलेंज चाहिए द अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्टेड एट द लोअर टेंपरेचर. तो लोअर टेंपरेचर पे कितना हीट रिजेक्ट करेगा उसकी वैल्यू हमको चाहिए. तो उसके लिए हम यहाँ इधर लिख देंगे उसकी वैल्यू निकालने के लिए हम यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं लाइन है सेकेंड पार्ट जब हम फाइंड करना चाहेंगे. लिख सकते हैं हम नाउ ऑल्सो वी नो दैट हम जानते हैं यहां से हमको वैल्यू चाहिए किसकी द अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्टेड एट लोअर टेंपरेचर. लोअर टेंपरेचर पर कितनी हीट रिजेक्ट होती है उसकी वैल्यू चाहिए. हम ये भी बात बता देते हैं इफिशियंसी इज इक्वल टू होता है 1 माइनस क्यू टू बाई क्यू वन. 1 माइनस क्यू टू बाई क्यू वन होगा या इंटरेस्ट रेट पहले हो जाएगा क्यू टू बाई क्यू वन इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस इफिशियंसी एंड वी नो दैट इफिशियंसी 1 माइनस रेट 0.5 या इंटरेस्ट रेट क्यू टू इक्वल टू हो जाएगा 0.5 इनटू क्यू वन. 0.5 इंटू क्यू वन 0.5 हो जाएगा इंटू क्यू वन की वैल्यू हमको पावर दी जा सकती है 4.0 इंटू 10 टू द पावर 4 कैलोरी. ठीक या इंप्लाइड दैट क्यू टू इज इक्वल टू हो जाएगा मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे 2.0 आ जाएगा इंटू 10 टू द पावर 4 कैलोरी. ये हो जाएगा अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्टेड एट द लोअर. ये वैल्यू हमको मिल जाएगी 2.0 इंटू 10 टू द पावर 4 कैलोरी. ये हमको मिल जाएगा यहाँ पे हम आसानी से इसकी वैल्यू को निकाल सकते हैं कैलोरी. ये जून में हमने निकाला. अगर इसको जून में बदलना चाहते हैं तो 4.2 से मल्टीप्लाई करते हैं वैल्यू हमारी जून में आ जाएगी. 4.2 से मल्टीप्लाई करेंगे वैल्यू आएगी 1.4 इंटू 10 टू द पावर 4 जून. ठीक है इस प्रकार से यहाँ हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं. क्वेश्चन एक बार फिर से देख लेंगे. क्वेश्चन में कह रहा था कि इफिशिएंसी कितनी होगी जब सोर्स ऑफ सेंटर टेंपरेचर 327 डिग्री सेंटीग्रेड और 27 डिग्री सेंटीग्रेड हो तो सबसे पहले इफिशिएंसी के फार्मूले से हम इसकी इफिशिएंसी निकाल सकते हैं. इफिशिएंसी को मिल जाएगी 0.5. इसके बाद क्वेश्चन कहता है कि इंजन इज लॉस 4.0 इंटू 10 पावर 4 कैलोरी एट द हायर टेंपरेचर देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वर्क डन एंड द वैल्यू ऑफ हीट रिजेक्टेड एट द लोअर टेम्परेचर. यानी कहने का मतलब है कि जब कोई हाई टेम्परेचर पे 4.0 इंटू 10 पावर 4 कैलोरी हीट एब्जॉर्ब करता हो तो उस हीट के कारण इंजन के द्वारा कितना वर्क डन फाइंड होगा उसकी वैल्यू हमको चाहिए. साथ साथ लोअर टेम्परेचर पे कितने हीट को रिजेक्ट करता है ये वैल्यू चाहिए. यानी कहने का मतलब है कि सोर्स से जब इसकी हीट एब्जॉर्ब करेगा 4.0 इंटू 10 पावर 4 कैलोरी हीट तो वो उसको कितने इसके लिए कितने बार को वर्क डन पे कन्वर्ट करेगा और कितना जो है हीट पे रिजेक्ट करेगा ये वैल्यू हमको चाहिए. हमने यहाँ पे वर्क डन की वैल्यू निकाल ली थी. हम जानते हैं वी नो दैट आई आर दे सकते हैं ऑटो का इफिशिएंसी आप इंजन की रेल बाई हम ये भी फार्मूला जानते हैं इफिशिएंसी की इफिशिएंसी इक्वल टू होता है वर्क आउटपुट अपॉन हीट टेकन इन द इनपुट या हीट रिसीव्ड फ्रॉम द सोर्स. वर्क आउटपुट इज इक्वल टू हमने मान लिया डब्ल्यू वर्क डन हो गया था हीट टेकन फ्रॉम द सोर्स इज q1. q1 हम कंसीडर करते हैं q1 लिया गया है कि मान लिया कि अमाउंट ऑफ वर्क डन डब्ल्यू इज इक्वल टू हो जाएगा इफिशिएंसी इनटू हीट टेकन फ्रॉम द सोर्स इफिशिएंसी इनटू हो जाएगा q1 या q1 की वैल्यू हमको दे रखी है पहले से 4.0 इंटू 10 पावर 4 कैलोरी जूल में कन्वर्ट करेंगे तो 4.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4.0 इंटू 4.2 इंटू 10 पावर 4 जूल वैल्यू क्या आ जाएगी कोल की या रखेंगे वैल्यू को और इसका मल्टीप्लाई अपन 4.0 से 4.2 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे वैल्यू 16.8 और 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे वैल्यू हमको आ जाएगी 8.40 इंटू 10 पावर 4 कैलोरी या वर्तन की वैल्यू हमको मिल जाएगी 8.4 इंटू 10 पावर 4 जूल. ठीक ना इतनी वैल्यू हमको 10 टू पावर 4 जूल की इक्विवेलेंट वैल्यू यानी इतना वर्क करने को फाइंड होगा जब वो 4.0 इंटू 10 पावर 4 कैलोरी हीट कन्वर्ट करेंगे हाई टेम्परेचर से रिसीव करेगा तो वर्क करने की वैल्यू हमको इतनी मिलेगी 8.4 इंटू 10 पावर 4 जूल के बराबर. ठीक है
तो कितने डिग्री को लोअर टेम्परेचर पे रिजेक्ट करेगा, इसी का जो फाइंड करने से हम जानते हैं। नाउ आपको भी नोन है, हम जानते हैं कि सेल्सियस इक्वल टू होता है 1 माइनस Q2 बाय Q1, ये भी फार्मूला हम जानते हैं, इसके आधार पे इसके अकॉर्डिंग हम वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। ऐसे भी निकाल सकते हैं या डायरेक्टली हम वर्क डन के आधार पे वैल्यू निकाल सकते हैं। हम जानते हैं कि वर्क डन अगर हमने गलत वर्क डन होता है पिछले अमाउंट ऑफ पेमेंट को रिजेक्ट करता है, उसका ये कहता है इस प्रकार से हम इसकी वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। हम जानते हैं W इक्वल टू होता है Q1 माइनस Q2 के, या ये डायरेक्ट है Q2 इक्वल टू हो जाएगा Q1
जब हमको इफिशियंसी मिल जाएगी तो इफिशियंसी के आधार पर हम उसका फार्मूला इफिशियंसी का वर्क और हीट, वर्क और हीट के रिस्पेक्ट में हम एक फार्मूला जानते हैं इफिशियंसी का, उस फार्मूले का यूज करेंगे, उसी फार्मूले के आधार पर हम वैल्यू को फाइंड कर लेंगे आसानी से कि कितनी हीट एब्जॉर्ब करनी होगी उसको सोर्स पे, कि उसके द्वारा किया गया कार्य जो हो, इंजन के द्वारा किया गया कार्य जो हो वो 1000 वाट पर सेकंड हो, ठीक है। 1000 वाट की दर से कार्य करने के लिए इंजन को सोर्स से कितनी हीट एब्जॉर्ब करनी चाहिए, इसकी वैल्यू हम आसानी से प्राप्त कर पाएंगे। सबसे पहले हीट की वैल्यू प्राप्त करने के लिए सबसे पहले हम इंजन की एफिशिएंसी निकालेंगे और उसी के आधार पर हम वर्क आउटपुट और हीट एक इनपुट के आधार पर, उसी रेशियो के आधार पर इफिशियंसी के हम आसानी से वैल्यू फाइंड कर पाएंगे। देखिए कैसे करेंगे, जो वैल्यू पहले दी गई है उससे पहले उसको लिखेंगे। गिवन है, दिया गया है, क्या दिया गया है, T1 की वैल्यू 800 केल्विन और 400 केल्विन के बीच में कार्य करता है, यानी हमने आपको बताया कि हमेशा थर्मल इंजन जो है वो दो टेम्परेचर लिमिट के अंतर्गत कार्य करता है, हाई टेम्परेचर और लोअर टेम्परेचर लिमिट के अंतर्गत वर्क करता है। हाई टेम्परेचर जो होता है उसको हम सोर्स का टेम्परेचर यानी T1 कंसीडर करते हैं, लोअर टेम्परेचर सोर्स जो होता है उसको हम लोअर टेम्परेचर को T2 से डिनोट करते हैं, T2 कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ हाई टेम्परेचर सोर्स यानी जिसकी वैल्यू अधिक है 800 के लिए हमारा क्या होगा, हाई टेम्परेचर सोर्स डाल है इसलिए इसको सोर्स का टेम्परेचर T1 कंसीडर करेंगे। T2 की वैल्यू हमको दी गई है 400 के लिए, क्वेश्चन हमसे कह रहा है अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब फ्रॉम द सोर्स, सोर्स से कितने अमाउंट ऑफ हीट हमें जानते हैं एब्जॉर्ब होता है, हमने हमको वैल्यू किसकी ज्ञात करनी है, T1 की ज्ञात करनी है, और आपको क्या पता है, हमको वर्क पता है कि इतनी हीट एब्जॉर्ब कितने अमाउंट ऑफ हीट जो वो एब्जॉर्ब करेगा टेंपरेचर लिमिट पे, जिस कितने अमाउंट ऑफ हीट T1 टेंपरेचर यानी 800 केल्विन से कितनी अमाउंट ऑफ हीट वो एब्जॉर्ब करेगा तो पर सेकंड वो 1000 वाट का
ये रेशियो q1 की जाएगी, q1 इक्वल टू वैल्यू आ जाएगी 476.19 किलो पर सेकंड। ठीक है, ये वैल्यू आपको मिल गई, ये मिल गई। ठीक, इस प्रकार से हम क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। हमको क्वेश्चन ने पूछा था कि क्यूबल अमाउंट ऑफ हीट कितनी होगी जब वो यानी 1000 वाट वर्क पर सेकंड यानी प्रति सेकंड वो 1000 वाट की दर से जब वो कार्य करेगा, 1000 वाट की दर से जब इंजन हमारा वर्क करेगा, तो क्यूबल के द्वारा यानी कहने का मतलब उसको सोर्स से कितने अमाउंट ऑफ हीट को एब्जॉर्ब करना चाहिए, इसकी वैल्यू को निकालने के लिए, क्यूबल की वैल्यू को निकालने के लिए सबसे पहले हम एफिशिएंसी फाइंड करेंगे, क्योंकि हमको इंजन का टेम्परेचर लिमिट दिया गया है, जिस टेम्परेचर लिमिट में इंजन हमारा वर्क करता है वो वैल्यू हमको देंगे, उसकी सहायता से सबसे पहले हम एफिशिएंसी निकालेंगे। जब हमको एफिशिएंसी मिल जाए तो एफिशिएंसी की सहायता से आसानी से हम क्यूबल की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, एफिशिएंसी जो होगा वर्क आउटपुट पर क्यूबल, वर्क हमारा है 1000 वाट, वाट को हम बदलेंगे जूल पर सेकंड में, वाट को जूल पर सेकंड में बदलेंगे, जूल पर सेकंड को कैलोरी पर सेकंड में बदलेंगे, 4.2 से डिवाइड कर देंगे, पहले हमने 1000 अपॉन 4.2 कैलोरी पर सेकंड होगा अपॉन क्यूबल, या क्यूबल इक्वल टू हो जाएगा 4.1000 अपॉन 4.2 इनटू 0.5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4.2 है क्यूबल कर लेंगे, इधर ले जाएंगे 0.5 और 4.2 का मल्टीप्लिकेशन आपस में हो जाएगा और वैल्यू हमको मिल जाएगी, हम इसको डिवाइड करेंगे 4.2 से 0.5 से, वैल्यू हमको आएगी 476.1 तो उसके द्वारा 1000 वाट की दर से कार्य किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है, देखिए द एफिशिएंसी ऑफ एन आइडियल इज 1/5 ऑन रिड्यूसिंग द टेंपरेचर ऑफ स्टीम बाय 60 डिग्री सी, द एफिशिएंसी ऑफ इंजन बिकम्स 1/3, कैलकुलेट द टेंपरेचर ऑफ टू स्टैंड स्टीम। क्वेश्चन कह रहा है कि द एफिशिएंसी ऑफ एन आइडियल इंजन इज 1/5, यानी कि कोई आइडियल इंजन है उसकी एफिशिएंसी हमको दी गई है 1/5 यानी 1/5 है, ऑन रिड्यूसिंग द टेंपरेचर ऑफ स्टीम, स्टीम के टेम्परेचर को रिड्यूस यानी कहने का मतलब बदलने पर कितने से, बाई 60 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी स्टीम के टेम्परेचर को 60 डिग्री सेंटीग्रेड से बदलने से परिवर्तित करने से द एफिशिएंसी ऑफ इंजन बिकम 1/3, इंजन की जो एफिशिएंसी है वो 1/3 हो जाती है। ठीक ना, क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट द टेम्परेचर ऑफ सोर्स एंड स्टीम, सोर्स ऑफ स्टीम के टेम्परेचर को हमको, सोर्स ऑफ स्टीम के टेम्परेचर की हमको गणना करनी है और क्वेश्चन में एफिशिएंसी दी गई है कि इंजन की एफिशिएंसी पहले 1/5 होती है, जब हम स्टीम के टेम्परेचर को 60 डिग्री सेंटीग्रेड से बदल देते हैं, रिड्यूस करते हैं, तो उसकी एफिशिएंसी 1/3 होती है। यहाँ क्वेश्चन जो है, देखिए क्वेश्चन को समझना है, क्वेश्चन अगर समझ में आ जाएगा तो आसानी से हम आंसर को निकाल सकते हैं, हमको क्लियर हो जाएगा सबको करना है। ठीक, क्वेश्चन कह रहा है कि एफिशिएंसी उसकी 1/5 है, जब हम स्टीम के टेम्परेचर को परिवर्तित करते हैं तो एफिशिएंसी 1/3 हो जाती है। अब हमको ये नहीं बता रहा है कि एफिशिएंसी स्टीम के टेम्परेचर को परिवर्तित करते हैं, लेकिन स्टीम के टेम्परेचर को हम बदलते जब हैं तो हम स्टीम के टेम्परेचर को बढ़ाते हैं या स्टीम के टेम्परेचर को घटाते हैं, ऐसा कुछ नहीं कह रहा है। क्वेश्चन केवल कह रहा है कि स्टीम के टेम्परेचर को परिवर्तित करने से इंजन की एफिशिएंसी 1/3 यानी 1/3 हो जाती है। तो ये हमको समझना है कि स्टीम के टेम्परेचर को बदलने से एफिशिएंसी 1/3 होती है, तो स्टीम का टेम्परेचर बढ़ेगा या घटेगा, इस चीज को हमको पहले समझना है। तो हमने पीछे कर्नोट इंजन की एफिशिएंसी का एक्सप्रेशन जब आपको फाइंड कराया था, तो उसके बाद एक वीडियो हमने आपको बनाया है, उसमें हमने आपको इंजन की एफिशिएंसी किन बातों पे डिपेंड करती है, कब इंजन की एफिशिएंसी इंक्रीज करेगी डिक्रीज करेगी, ये सारी चीजें हमने पीछे आपको डिस्कस की हुई। लेकिन थोड़े में हम आपको इसको बताते हैं कि यहाँ रिड्यूसिंग द टेम्परेचर ऑफ स्टीम, स्टीम के टेम्परेचर को बदलने पे इंजन की एफिशिएंसी 1/3 होती है। हम ये देख लेंगे कि स्टीम के टेम्परेचर को जब हम परिवर्तित करते हैं तो इंजन की एफिशिएंसी बढ़ती है या घटती है, पहले इसकी जानकारी है। जब ये हमको पता चल जाएगा तो हम आसानी से समझ पाएंगे कि स्टीम का टेम्परेचर हमको बढ़ाना है या घटाना है। ठीक, क्योंकि पीछे हमने आपको बताया कि स्टीम और सोर्स के टेम्परेचर में जितना ज्यादा डिफरेंस रहेगा
जो टेम्परेचर लिमिट में सिस्टम हमारा या यूजर हमारा वर्क करेगा, उस टेम्परेचर लिमिट के यानी उस टेम्परेचर लिमिट में जितना ज्यादा डिफरेंस रहेगा, यानी सोर्स ऑफ सिंक के टेम्परेचर में जितना ज्यादा डिफरेंस रहेगा एफिशिएंसी उतने ज्यादा होगी, समझ रहे हैं, एफिशिएंसी बढ़ेगी, और जितना कम डिफरेंस होगा एफिशिएंसी उतनी कम होगी, यानी एफिशिएंसी घटेगी। जब सिंक और सोर्स के टेम्परेचर के बीच का डिफरेंस हम बढ़ा दें तो एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, और डिफरेंस अगर हम घटा दें तो एफिशिएंसी घट जाएगी। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि एफिशिएंसी आप बढ़ रही है या घट रही है। तो देखिए पहले इंजन की एफिशिएंसी होती है 1/5, सिंक के टेम्परेचर को बदलने की एफिशिएंसी हो जाती है 1/3, तो 1/5 से 1/3 होती है, यानी सिंपल इसको देखने से ही पता चलता है कि एफिशिएंसी क्या है, बढ़ रही है। और हम जानते हैं कि इंजन की एफिशिएंसी इंक्रीज करेगी व्हेन द टेम्परेचर ऑफ सिंक इज डिक्रीजेड, जब सिंक का टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तब इंजन की एफिशिएंसी इंक्रीज करेगी। ये हम जानते हैं कि सिंक के टेम्परेचर को डिक्रीज करते जाएंगे, सिंक का टेम्परेचर जितना कम करेंगे इंजन की एफिशिएंसी यानी सोर्स के टेम्परेचर को फिक्स करके, सोर्स के टेम्परेचर को ये हम मान लेते हैं T1 है, सिंक का टेम्परेचर T2 है, तो T2 की वैल्यू जितनी कम करेंगे इंजन की एफिशिएंसी उतनी ज्यादा होगी। तो यहाँ एफिशिएंसी बढ़ रही है, तो इसका मतलब है कि जब हम सिंक के टेम्परेचर को बदलते हैं 60 डिग्री सेंटीग्रेड से, तो इसका मतलब क्या है कि 60 डिग्री सेंटीग्रेड से हम सिंक के टेम्परेचर को घटाते हैं, यानी सिंक का टेम्परेचर अगर हम माने T2 है तो 60 डिग्री सेंटीग्रेड से जब उसके टेम्परेचर को बदलेंगे, यानी 60 डिग्री सेंटीग्रेड जब उसके टेम्परेचर को कम कर देंगे, T2 में से 60 डिग्री सेंटीग्रेड कम कर देंगे, तो इंजन की एफिशिएंसी बढ़ जाएगी और 1/5 से बढ़ के क्या हो जाएगी 1/3 हो जाएगी। ठीक, तो इस प्रकार के क्वेश्चन में यही कह रहा है कि इंजन की एफिशिएंसी को इंजन की एफिशिएंसी 1/3 हो जाती तो सोर्स ऑफ सिंक का टेम्परेचर क्या होगा, ये हमको ज्ञात करना है। ठीक, देखिए सोल्यूशन देखिए, सबसे पहले हम फार्मूला जानते हैं एफिशिएंसी ऑफ इंजन, द एफिशिएंसी ऑफ इंजन इज गिवन बाय व्हेन द टेम्परेचर ऑफ सोर्स इज T1 एंड सिंक टेम्परेचर ऑफ सिंक इज The efficiency of engine is given by when the temperature of source is T1 and temperature of steam is T2. Efficiency क्या होगी तब? Efficiency जो बोलते हैं 1 - T2/T1 के, ठीक ना? That is, यहाँ हमने कहा है the efficiency of engine की है, यहाँ हमने कहा है is 1/5 is 1/5 when the temperature of source is T1 and temperature of steam is T2, यानी efficiency कितनी होती है 1/5 के, implies that हम यहाँ पर consider कर सकते हैं, implies that आप लिख सकते हैं यहाँ पे जो है 1/5 implies that क्या करते हैं 1/5 is equal to 1 - T2/T1, यानी implies that 1 - T2/T1 is equal to 1/5 के इक्वेशन नंबर हम मान लेते हैं। ठीक, अब यहाँ पे क्वेश्चन फ्रॉम द क्वेश्चन या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन व्हेन द टेम्परेचर ऑफ सिंक इज रिड्यूस्ड by 60 degrees then the efficiency is 1/3, thus हम यहाँ लिख सकते हैं thus नहीं क्या है इसके equal to हो जाएगा 1 - T2 की वैल्यू है according to equation when the temperature of steam is reduced by 60 degree then the efficiency is 1/3 होगी 1/3 होगी 1/5 बढ़ के 1/3 हो
T2 में जो जीरो है इसे रिड्यूस करेंगे। हम देख रहे हैं इसकी इंक्रीज कर रही है, इसकी स्पीड बढ़ रही है, इसका मतलब सिंक का टेंपरेचर क्या होगा, घटेगा। तो T2 इसमें हम बता देंगे T2 माइनस हो जाएगा 60 अपॉन T1, ठीक है। नीटा एस इक्वल टू दैट 1 माइनस T2 माइनस 60 अपॉन T1 क्या इंप्लाइज है, नीटा एस ले लो क्या है 1 बाय 3 या ऑलरेडी 1 बाय 3 इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस 1 बाय 3 इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ से आपको फिगर करेंगे 1 बाय 3 इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस, अलग अलग करते रहेंगे 1 माइनस T2 बाय T1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 60 बाय T, या इंप्लाइज है हो जाएगा फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 B है इक्वेशन 1 से, इक्वेशन 1 से हम कंसीडर करेंगे इंप्लाइड है कि यहां पर वैल्यू होगी 2 इवन इक्वल टू यहां पे 900 या इंप्लाइड है इवन इक्वल टू हो जाएगा 450 के, इवन इक्वल टू आ जाएगा 450 के, 450 के भी कौन डिग्री सेंटीग्रेड में बदल सकते हैं, डिग्री सेंटीग्रेड में बदलने के लिए क्या करेंगे 200 के अंदर हटा देंगे पहले हमारे डिग्री सेंटीग्रेड में बदल जाएगा, या इन साइड में किसी को हम कर सकते हैं इवन इक्वल टू 450 माइनस 273 या इवन इक्वल टू आ जाए सबसे यहाँ पे बता रहे हैं यहाँ आ जाएगी वैल्यू 177 डिग्री सेंटीग्रेड 177 डिग्री सेंटीग्रेड, ये वैल्यू 57 डिग्री सेंटीग्रेड,
एल ये वैल्यू हमको फाइंड होता है। इस प्रकार से हमको वैल्यू मिल जाएगी 87 डिग्री सेंटीग्रेड सिंक का टेम्परेचर हो जाएगा और सोर्स का टेम्परेचर हमको मिल जाएगा 177 डिग्री सेंटीग्रेड एंड टेम्परेचर आपके रिड्यूस्ड बाय 60 डिग्री सेंटीग्रेड then the efficiency of engine becomes 1/3 and then the temperature of soup and sink is 177 degrees and 87 degrees then the efficiency of engine is 1/5 see yani the efficiency and sink or soup are indicator 177 degrees or 87 degrees centigrade hoga so efficiency 1/5 hogi jab uske temperature ko 87 degrees ki hai उसके टेम्परेचर को 60 डिग्री सेंटीग्रेड से सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं 60 डिग्री सेंटीग्रेड से रिड्यूस कर देंगे रिड्यूस करेंगे एफिशिएंसी बढ़ रही है 1/3 बढ़ रही है एफिशिएंसी इंक्रीज कर रही है इसलिए हम यहां सिंक के टेम्परेचर को रिड्यूस करने के लिए कह रहा हूं। सिंक के टेम्परेचर को रिड्यूस करने के बदले में क्या करेंगे सिंक के टेम्परेचर को घटाएंगे क्यों क्योंकि हम यहां देख रहे हैं एफिशिएंसी हमारी इंक्रीज हो रही है एफिशिएंसी हमारी इंक्रीज तभी करेगी जब सिंक के टेम्परेचर को घटाया जाएगा यानी सिंक के टेम्परेचर सिंक का टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो एफिशिएंसी हमारी इंक्रीज करेगी। अगर यही कैसा क्वेश्चन आपको देखा कि आम रिड्यूसिंग द टेम्परेचर ऑफ फूड बाय 60 डिग्री सेंटीग्रेड रिड्यूसिंग द टेम्परेचर ऑफ फूड बाय 60 डिग्री सेंटीग्रेड द एफिशिएंसी ऑफ इंजन बिकम 1/3 यानी फूड के टेम्परेचर को रिड्यूस करते हैं 60 डिग्री से तो उसकी एफिशिएंसी 1/3 होती है। तो इसी क्वेश्चन में जब फोर्स के लिए अगर कहता तो सोर्स के लिए हम यहाँ देख रहे हैं एफिशिएंसी इंक्रीज कर रहे हैं तो फोर्स के केस में हम क्या करते हैं उस केस में हम एफिशिएंसी बढ़ रही है यानी सोर्स का टेम्परेचर जब बढ़ेगा तो एफिशिएंसी बढ़ेगी। हम ये जानते हैं कि सोर्स का टेम्परेचर जब बढ़ेगा एफिशिएंसी इंक्रीज करती है सिंक का टेम्परेचर जब बढ़ेगा तो एफिशिएंसी डिक्रीज करती है सोर्स का टेम्परेचर जब डिक्रीज करेगा यानी घटेगा तो एफिशिएंसी इंक्रीज करेगी सोर्स का टेम्परेचर जब घटेगा तो एफिशिएंसी डिक्रीज करेगी और सिंक का टेम्परेचर जब बढ़ेगा तब एफिशिएंसी समझ रहे हैं ना यानी सोर्स के ताप के बढ़ने से एफिशिएंसी बढ़ेगी सोर्स के ताप के घटने से एफिशिएंसी घटेगी और सिंक के लिए जस्ट इसका उल्टा होगा सोर्स के ताप के सिंक के ताप के बढ़ने से सिंक के ताप के बढ़ने में एफिशिएंसी घटेगी और सिंक के ताप के घटने से एफिशिएंसी बढ़ेगी। तो अगर इसी क्वेश्चन में यहाँ कहता हम रिड्यूसिंग द टेम्परेचर ऑफ सोर्स सोर्स की बात करता तो हम लिखते हैं यानी कि सोर्स के टेम्परेचर को परिवर्तित करते और एफिशिएंसी बढ़ रही है बढ़ती तो हम क्या करते सोर्स के ताप को बढ़ाते हैं यानी यहाँ हम तीनों सबसे डिग्री सेंटीग्रेड कर सकते हैं। ठीक है इस प्रकार से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं जैसे क्वेश्चन में वैल्यू दी गई है उसके आधार पे हमने आसानी से उसको सॉल्व किया। हमको क्वेश्चन में यह रखा था कि एफिशिएंसी उसकी 1/5 है जब सिंक के ताप को हम बदलते हैं एफिशिएंसी 1/3 होती है। हम देख रहे हैं कि एफिशिएंसी हमारी बढ़ रही है एफिशिएंसी बढ़ रही है इसलिए हम जानते हैं कि सिंक के ताप को बदलने की एफिशिएंसी तभी बढ़ेगी जब हम सिंक के ताप को घटाएंगे। हम इसलिए सिंक के जनरेटर को T2 से घटाते हैं 60 डिग्री सेंटीग्रेड वैल्यू रखते हैं T2 - T1 और इस प्रकार से एफिशिएंसी के आधार पे एफिशिएंसी के आधार पे हमको T1 की वैल्यू मिल जाती है। T1 की वैल्यू हो जाएगी 450 केल्विन और T2 की वैल्यू हो जाएगी T1 के आधार पर T2 की वैल्यू निकाल सकते हैं T2 की वैल्यू आएगी 87 डिग्री सेंटीग्रेड या 360 केल्विन। ठीक इस प्रकार से हम एफिशिएंसी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं किसी भी आइडियल इंजन के लिए। ठीक है T1 और T2 सोर्स और सिंक का टेम्परेचर हमको आसानी से पता हो जाता है। ठीक है तो हम उम्मीद है कि इस प्रकार का सेशन अगर आपको आता है सिंक के स्थान पर अगर सोर्स देगा तो हम जानते हैं कि रिड्यूस करने के यानी सोर्स के ताप को बढ़ाने से ही एफिशिएंसी बढ़ेगी या अगर जैसे आप रिड्यूसिंग का टेम्परेचर 1/5 में करके यहाँ 1/7 करता तो एफिशिएंसी घटती और सिंक के केस में अगर ऐसा रहता तो हम एफिशिएंसी घटने के केस में क्या करते हैं सिंक के टेम्परेचर को इंक्रीज करते हम यहाँ की सिक्सटी कर देते। ठीक है इस प्रकार से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद है आपका क्वेश्चन आसानी से अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस प्रकार का क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ रहा है तो आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन क्या है एफिशिएंसी ऑफ द कंप्रेसर इंजन इज 50% एंड द टेम्परेचर ऑफ सेम इज 27 डिग्री। क्वेश्चन क्या है तो एफिशिएंसी ऑफ द कंप्रेसर इंजन इज 50% एंड द टेम्परेचर ऑफ सेम इज 27 डिग्री सी। आगे कह रहा है हाउ मच मोर द टेम्परेचर ऑफ फोर्स बी इज टू मेक इट एफिशिएंसी 60% यानी क्वेश्चन कह रहा है कि एक कनॉट इंजन है जिसकी एफिशिएंसी 50% है और सिंक का टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड है ऐसा दिया गया है। क्वेश्चन आगे कह रहा है कि हाउ मच मोर द टेम्परेचर ऑफ फोर्स बी इज यानी फोर्स
इतनी मात्रा में बढ़ाना चाहिए कि इफिशियंसी टू मेक इफिशियंसी 60%, यानी इंजन की इफिशियंसी को 60% बनाने के लिए सोर्स के टेम्परेचर को कितना इंक्रीज करना चाहिए, ये वैल्यू हमको पूछ रहा है। यानी सोर्स के टेम्परेचर को T1 की वैल्यू हम कितनी और बढ़ा दें कि उसकी इफिशियंसी 50% से बढ़ के 60% हो जाए। ठीक, तो हम आसानी से इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम 50% के लिए उसकी इफिशियंसी फाइंड करेंगे। कॉर्नर टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड पे हम उसकी 27 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर को कंसीडर करके हम इफिशियंसी 50% हमको दिया गया है। सबसे पहले हम सोर्स के टेम्परेचर को फाइंड कर लेंगे, फिर हम मानेंगे कि सोर्स का टेम्परेचर हम मानते हैं कि T1 से बढ़ के T1 हो जाता है, तो सोर्स का टेम्परेचर हम बढ़ा देंगे। T1 से T1 कंसीडर करेंगे, उसके बाद इफिशियंसी आसानी से हम फाइंड कर लेंगे 60%। हम मान लेंगे कि सोर्स का टेम्परेचर T1 से बढ़ के T1 हो जाता है तो उसकी इफिशियंसी 60% हो जाती है और आसानी से फाइंड जो है वैल्यू T1 की पता हो जाएगी। यानी कितना हम सोर्स के टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे उसकी इफिशियंसी 50% से 60% हो जाएगी, हम आसानी से प्राप्त कर पाएंगे। ठीक है, देखिएगा, देखेंगे हम यहाँ के सोल्यूशन में। सबसे पहले जो वैल्यू दी गई है उसको हम रखेंगे, गिवन दैट दिया गया है, हमको दिया है इफिशियंसी, इंजन की इफिशियंसी हमको दी गई है, इफिशियंसी इक्वल टू है 50%। इफिशियंसी हमको 50% दी गई है और T2 की वैल्यू हमको पता है 27 डिग्री सेंटीग्रेड। केल्विन में बदल लेंगे, 27 + 2 70 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा 300 केल्विन। T1 की वैल्यू हमको ऑलरेडी प्राप्त करनी है 50%। सबसे पहले हम इसको निकाल लेते हैं, द इफिशियंसी या दस, सबसे पहले इफिशियंसी के फॉर्मूले से हम T1 की वैल्यू निकालेंगे। दस हम जानते हैं इफिशियंसी इक्वल टू का 1 - T2 / T1 इंप्लाइज है 1 - T2 एंड 300 अपॉन हो जाएगा T1 के इफिशियंसी की वैल्यू ऑलरेडी हमको पता है 50%, यानी 60/100 हम कर सकते हैं, इसमें वैल्यू आ जाएगी 1 - T1 हो जाएगा। और यहाँ से वैल्यू हमको मिल जाएगी, इंप्लाइज है कर सकते हैं आप 300/T1 = 1 - 1/2 या इक्वल टू हो जाएगा 1/2, या इंप्लाइज है क्या हम कर सकते हैं T1 = हो जाएगा 600 केल्विन। ये इफिशियंसी, यानी कहने का मतलब जब उसकी इफिशियंसी 50% होगी तो सोर्स का टेम्परेचर कितना होगा 600 केल्विन होगा। ठीक, आप इफिशियंसी जब 60% होगी तो सोर्स का टेम्परेचर कितना होगा, ये वैल्यू फाइंड करने के लिए हम यहाँ लिखते हैं, हम यहाँ मानते हैं इफ द इफिशियंसी लेटर ऑफ सोर्स इज T1 लेस देन द इफिशियंसी of engine is 60%, then the efficiency of engine is 60%, आसानी से यहाँ पर 60% मान लेते हैं कि इसकी इंजन की एफिशिएंसी 60% होगी। दैट इज यदि आप देख सकते हैं, लेट द टेम्परेचर ऑफ सोर्स इज T1 है, इज इंक्रीज्ड increased let the temperature of sources is increased by given day ऐसा नहीं लिखेंगे, let the temperature of sources is increased at T1 day। ठीक है, T1 ने कल देखी थी आप, उन्होंने 60% लेट इसे लिख सकते हैं आप
एफिशिएंसी 60% होने पर 60/100 इज इक्वल टू हो जाएगा 1 - t2 / t1 t2 वही रहेगा t2 यानी 300 अपॉन t1 में हम बताते हैं t1 में हमने मान लिया t1 ने हो गया इंप्लाइड दैट हो जाएगा पहले निकालेंगे 300 / t1 डैश इज इक्वल टू हो जाएगा 1 - 60/100 को करेंगे 6/10 हो गया 10 बाय 0.6 या 300 अपॉन t1 डैश इज इक्वल टू हो जाएगा 0.4 के या इंप्लाइड दैट यहां पर हम क्या कर सकते हैं t1 डैश इज इक्वल टू हो जाएगा 300 बाय यहाँ हो जाएगा 0.4 ठीक यहाँ 0.4 होगा यानी यहाँ डिवाइड करेंगे इसको 300 को वैल्यू आ जाएगा 750 के t1 डैश इज इक्वल टू आ जाएगा 750 के लिए यानी जब सोर्स का टेम्परेचर t1 डैश हो जाएगा लेट जब टेम्परेचर आपको उसे इंक्रीज है t1 डैश यानी सोर्स का टेम्परेचर जो है t1 डैश हो जाएगा व्हेन द एफिशिएंसी ऑफ इंजन इज 60% यानी जब सोर्स का टेंपरेचर गिवन रहता है 750 के लेवल हो जाएगा यानी जो टेंपरेचर हमारा 600 के लेवल था वो 600 के लेवल पर के जब 750 के लेवल हो जाएगा 750 के लेवल हो जाएगा तब उसकी एफिशिएंसी इंजन की एफिशिएंसी क्या होगी 60% हो जाएगी तो इतनी एफिशिएंसी यानी इंजन की एफिशिएंसी को 60% करने के लिए सोर्स के टेंपरेचर को कितना इंक्रीज करना पड़ेगा इसको लिखने के इसको प्राप्त करेंगे हम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं The increase in temperature of source is delta T is equal to हो जाएगा T1 less minus T1 यानी direct है delta T is equal to हो जाएगा 750 minus 600 delta T is equal to हो जाएगा 150 के लिए या हम कह सकते हैं 150 डिग्री सेंटीग्रेड यानी यदि हम सोर्स के टेम्परेचर को 150 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ा दें सोर्स के टेम्परेचर को यानी जो टेम्परेचर होता है यहाँ का इसकी अपेक्षा अगर हम 150 डिग्री सेंटीग्रेड या 150 केल्विन से इंक्रीज कर देंगे तब उसकी एफिशिएंसी क्या होगी 60% हो जाएगी मैं यहाँ पे इसलिए लिखा दे कर दें इसलिए टेम्परेचर आप सोच सीज डेल्टा टी इक्वल टू टेम्परेचर इंक्रीज को हमने गिवन डेट माना गिवन है माइनस जीरो हो जाएगा डेल्टा इक्वल टू 750 माइनस 600 हो जाएगा इधर तो आ जाएगा डेल्टा इक्वल टू 150 केल्विन यानी जब हम सोर्स के टेम्परेचर को 150 केल्विन से या 150 डिग्री सेंटीग्रेड से इंक्रीज कर रहे हैं सोर्स के टेम्परेचर को 150 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा रहे होंगे तो एफिशिएंसी उसकी 50% से बढ़ के 60% हो जाएगी ठीक है यानी सोर्स के टेम्परेचर को इंक्रीज करने के लिए हमने आसानी से यहाँ कंसिडर करके सोर्स के टेम्परेचर को ही बदल के मान लिया T1 डैश मान लिया ऐसे भी आप निकाल सकते हैं या ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ सोर्स दर ग्राम पर करके ऐसे कन्वर्ट प्लस एक्स करके भी वैल्यू को आसानी से निकाल सकते हैं ठीक है इस प्रकार से हम आसानी से वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं जब इस प्रकार से हम लगाएंगे तो आसानी से बहुत ही इजी वे में हमारा आंसर आएगा तो इस प्रकार का क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि एफिशिएंसी कितनी है जैसे सोर्स का टेम्परेचर यहाँ दिया होता सिंक का टेम्परेचर पूछता कि सिंक के टेम्परेचर हम कितना डिक्रीज करेंगे कि इसकी एफिशिएंसी 60% हो जाएगी क्योंकि हम जानते हैं सिंक के टेम्परेचर को जब घटाएंगे तभी एफिशिएंसी बढ़ेगी तो अगर यहाँ यही क्वेश्चन कह देता कि भाई हाउ मच यहाँ सिंक का टेम्परेचर दिया है यहाँ सिंक का टेम्परेचर ना देकर हमको सोर्स का टेम्परेचर देता और आगे क्वेश्चन के साथ आए हाउ मच इस प्रकार से निकाल लेते फिर उसको उसके बाद हम आसानी से यानी कहने का मतलब कि सिंक के टेम्परेचर में से जो सिंक का टेम्परेचर हमें उसको घटा दें तो हमको पता चलता है कि कितनी मात्रा में हम सिंक के टेम्परेचर को घटाएंगे कि हमारी एफिशिएंसी 60% हो जाएगी आसानी से इस प्रकार से सोर्स या सिंक का टेम्परेचर घटाने या बढ़ाने की बात अगर करें तो हम आसानी से एफिशिएंसी की वैल्यू के आधार से सोर्स और सिंक के टेम्परेचर को फाइंड कर सकते हैं ठीक है इस प्रकार से हम क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं उम्मीद है इस प्रकार के क्वेश्चन अगर आपसे पूछे जाएंगे तो आप आसानी से उसके उत्तर को निकाल सकते हैं और आंसर दे सकते हैं आसानी से उसको हल कर पाएंगे और वो भी अच्छे से आपको समझ में आया होगा कुछ करना नहीं है केवल टॉपिक को क्वेश्चन को पढ़ना है और स्टेप बाई स्टेप आप लोगों को इम्प्लीमेंट के अप्लाई करते जाना है हमारा आंसर आसानी से ठीक है